नाभि में तेल लगाने के फायदे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नाभि में तेल लगाने के फायदों के बारे में। दोस्तों, हम शुरू से ही सुनते और पढ़ते आए हैं कि नाभि में तेल लगाने के बहुत से फायदे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नाभि में तेल लगाने के क्या फायदे होते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। नाभि पर तेल लगाने से बहुत अद्भुत लाभ होता है दोस्तों। तेल आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और नाभि में तेल लगाना एक बहुत ही प्राचीन प्रक्रिया है। व्यक्ति के शरीर में उसकी नाभि वो चमत्कारी बिंदु होता है जिसकी मदद से वो कई बीमारियों से आसानी से छुटकारा पा सकता है। दरअसल नाभि के पीछे पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है। ये पेकोटी ग्रंथि शरीर के कई नसों, ऊतकों और अंगों से जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से पेकोटी ग्रंथि बहुत ही शक्तिशाली होती है। व्यक्ति जैसे ही नाभि में तेल डालता है, पेकोटी ग्रंथि उसे झट से अवशोषित करके व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करती है। नाभि पर तेल लगाने से व्यक्ति कई रोगों से छुटकारा पा सकता है। नाभि शरीर का केंद्र बिंदु होता है। हर रात सोने से पहले अगर आप मात्र 2 बूंद भी नाभि में डालते हैं तो सेहत को कई आश्चर्यजनक फायदे मिल सकते हैं। ये त्वचा, प्रजनन, आँखों और मस्तिष्क के लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए जानते हैं कि नाभि में तेल डालने से और क्या क्या फायदे मिलते हैं। नाभि में रोजाना तेल लगाने से फटे हुए होंठ नर्म और गुलाबी हो जाते हैं। इससे आँखों की जलन, खुजली और सूखापन भी ठीक हो जाता है। नाभि में तेल लगाने से शरीर के किसी भी भाग में सूजन की समस्या खत्म हो जाती है और सरसों का तेल नाभि पर लगाने से घुटनों के दर्द में राहत मिलती है। नाभि पर सरसों का तेल लगाने से हमारे चेहरे की रंगत बढ़ती है, इसलिए आपको रोजाना नाभि पर सरसों का तेल लगाना चाहिए। नाभि पर सरसों के तेल लगाने से पिंपल्स और दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं। नाभि पर सरसों के तेल लगाने से हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत बनता है और बादाम का तेल लगाने से त्वचा की रंगत निखर जाती है। नाभि में तेल लगाने से पेट का दर्द कम होता है। इससे अपच, फूड पॉइजनिंग, दस्त, मतली जैसी बीमारियों से भी राहत मिलती है। अगर आप मुहासों की समस्या से परेशान हैं, तो आपको नीम के तेल को नाभि में लगाना चाहिए। इससे आपके कील और मुहासे दूर होने लगेंगे। अगर आपके चेहरे पर कई तरह के दाग की समस्या है तो नीम का तेल नाभि में डालने से ये दाग दूर होंगे। नाभि में लेमन ऑयल लगाने से भी दाग धब्बे दूर होते हैं। नाभि प्रजनन तंत्र से जुड़ी हुई होती है, इसलिए नाभि में तेल लगाने से प्रजनन क्षमता विकसित होती है। कोकोनट या ऑलिव ऑयल को नाभि में लगाने से महिलाओं के हार्मोन संतुलित होते हैं और गर्भधारण की संभावना बढ़ती है। नाभि में तेल लगाने से पुरुषों के शरीर में शुक्राणुओं की वृद्धि और सुरक्षा होती है। महावारी से संबंधित समस्याओं से आजकल हर दूसरी तीसरी महिला ग्रसित मिलती है। अगर पीरियड्स के दौरान ज्यादा दर्द हो तो रुई के फाहे में थोड़ी सी ब्रांडी लगाकर नाभि में लगाने से ये दर्द तुरंत दूर हो जाता है। तो आइए जानें क्यों जरूरी है नाभि में तेल लगाना। हम अक्सर नाभि की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं और इसके बारे में भूल ही जाते हैं, परंतु ये बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। इसलिए हमें अपनी नाभि को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। नाभि की सफाई के लिए तेल का प्रयोग करना चाहिए, इससे हम स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि नाभि में तेल लगाने के लिए कौन कौन से तेल फायदेमंद होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बादाम के तेल की। अक्सर तनाव, काम के बोझ या ठीक तरह से त्वचा की देखभाल ना करने की वजह से चेहरा बेजान और मुरझाया हुआ लगता है। इस समस्या को बादाम के तेल से ठीक किया जा सकता है। अगर आप कम समय में चमकदार चेहरा पाना चाहते हैं तो अपनी नाभि पर बादाम तेल लगाएं। बादाम तेल बालों के लिए ही नहीं बल्कि त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। बात करते हैं अब सरसों के तेल की। अक्सर फटे होठों के कारण हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कुछ लोगों के तो हमेशा ही होंठ फटे रहते हैं। अगर आप भी फटे होठों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रोज अपनी नाभि पर सरसों का तेल लगाएं। ऐसा करने से फटी एड़ियों और रूखी त्वचा की परेशानी भी दूर होगी। अब बात करते हैं नारियल के तेल की। भारत में हर घर में नारियल तेल इस्तेमाल किया जाता है। कोई बालों में नारियल तेल लगाता है तो कोई खाना पकाने में नारियल तेल का प्रयोग करता है। नाभि पर नारियल तेल की 3 से 7 बूंदे लगाने से प्रजनन क्षमता बढ़ती है। नंबर 4 पर हम बात करते हैं देसी घी। यदि आपकी त्वचा खुरदुरी या बहुत सख्त है तो आपको नाभि पर घी लगाना चाहिए।
इससे त्वचा नर्म और मुलायम होती है और उसकी चमक भी बढ़ती है। नंबर 5 पर हम बात करते हैं जैतून के तेल की। आजकल ज्यादातर लोग मोटापे से ग्रसित हैं। अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं और इसे कम करने का कोई आसान तरीका खोज रहे हैं तो जैतून का तेल लगाने से मोटापे और जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। रात को सोने से पहले जैतून के तेल से नाभि की मालिश करें। इस उपाय से कुछ ही दिनों में आप मोटापे और जोड़ों के दर्द की परेशानी से आराम पाएंगे। अब बात करते हैं लेमन ऑयल यानी नींबू के तेल की। यदि आप अपने चेहरे पर दाग धब्बों से परेशान हैं, तो इन्हें ठीक करने के लिए नींबू के तेल को नाभि में लगाएं। ऐसा करने से आपको जल्द ही अपने चेहरे के दाग धब्बों और मुहासों से भी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको एस्पेन नेविल ऑयल के बारे में बताना चाहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एस्पेन नेविल ऑयल बहुत सारे तेलों का मिश्रण है, जो आपके शरीर को बहुत सारे फायदे पहुंचाता है। इसमें महुआ तेल, अलसी तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, दालचीनी और लहसुन का मिश्रण मिलाया जाता है। इसमें बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। एस्पेन नेविल ऑयल चेहरे की रंगत बढ़ाने में, होंठ नर्म और गुलाबी बनाने में, शरीर के किसी भी भाग में सूजन को ठीक करने में, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में, पेट दर्द, गैस, अपच आदि समस्या दूर करने में, त्वचा के दाग धब्बों से राहत दिलवाने में, प्रजनन क्षमता को ठीक करने में और महावारी से संबंधित समस्याओं का इलाज करने में बहुत ही लाभदायक है। तो अब जान लेते हैं एस्पेन नेविल ऑयल लगाने का तरीका। एस्पेन नेविल ऑयल को आप सोने से पहले अपनी नाभि के आसपास तेल की कुछ बूंदें डालकर उसे उंगलियों की मदद से नाभि पर लगा लें। इसके अलावा रुई के साथ तेल की कुछ बूंदें नाभि में लगाकर कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ दें। नियमित रूप से ऐसा करने से आपको अपने शरीर के अंदर बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। एस्पेन ग्रुप आपके स्वस्थ और सुंदर भविष्य की कामना करते हैं और आपको रोग मुक्त रहने की दुआएं देते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी अधिक से अधिक लोगों के काम आ सके। धन्यवाद।